नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर सभी लोग का स्वागत है। मैं आज मिथुन चक्रवर्ती के आने वाली फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो फिल्म बंगाली भाषा में बनी हुई है। आते दुर्गा पूजा को वो फिल्म रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, ये फिल्म के बारे में मिथुन चक्रवर्ती से कुछ बातें पूछा गया, तो इस बारे में उन्होंने कुछ कमेंट्स, कुछ बातें मीडिया के सामने बताया, उसी बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती और देवाश्री राय पारिवारिक मनोरंजन फिल्म शास्त्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। सदाबहार जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती और देवाश्री राय ने आगामी फिल्म शास्त्री और फिल्मों में अपने सफर के बारे में कुछ बातें की। इस फिल्म के बारे में मिथुन चक्रवर्ती की क्या सोच है, इस बारे में बताता हूँ। विज्ञान और ज्योतिष के बीच संघर्ष को संबोधित करने वाली एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होने की उम्मीद है। शास्त्री आगामी दुर्गा पूजा में रिलीज होने वाली फिल्म मिथुन चक्रवर्ती और देवाश्री राय प्रमुख भूमिकाओं में है। ये दो प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ बातचीत की, जो एक दशक से अधिक समय के बाद एक साथ आए हैं, और ये फिल्म ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। मिथुन चक्रवर्ती को पूछा गया, क्या आप ज्योतिष शास्त्र में आस्था रखते हैं? तब मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ ये जवाब दिया, हाँ मैं आस्तिक हूँ। मेरा मानना है कि सितारे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की चाल समुद्र के जोर को प्रभावित करती है। उसी तरह मेरा मानना है कि सितारे और ग्रह भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और मेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। मेरा मानना है कि बहुत ही साधारण से मेरा प्रसिद्धि और स्टारडम तक पहुंचना तब तक संभव नहीं था जब तक कि सितारे मेरे अनुकूल न हो सके। मैं ये भी जानता हूं कि किसी भी ज्योतिषी के लिए 100% सटीक भविष्यवाणी करना असंभव है। फिर भी मैं ज्योतिष के भाग्य को निर्देशित करने के लिए ग्रहों की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। मेरा यह भी मानना है कि जीवन और हमारे ब्रह्मांड में विज्ञान द्वारा समझाए जाने से कहीं अधिक। उसी तरह देवाश्री से भी सवाल किया गया, तो उन्होंने ये कहा, मैं ज्योतिष में बहुत आस्था रखती हूँ और अपने एक बड़े चचेरे भाई से नियमित रूप से ज्योतिषीय सलाह लेती थी, जिनकी भविष्यवाणियाँ बहुत सटीक होती थी। अब जब वे नहीं रहे तो मुझे नहीं पता कि किससे सलाह लेनी चाहिए। अगला सवाल मिथुन चक्रवर्ती से ये पूछा गया कि इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसके कारण आप इसका हिस्सा बनना चाहते थे? तब मिथुन चक्रवर्ती ने बताया, मैं अब जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गया हूं जहां मैं अब तक कोई भूमिका स्वीकार नहीं करता जब तक कि वो अलग ना हो। मैं ऐसी फिल्मों की तलाश करता हूं जिनका विषय थोड़ा अलग हो और जिसका विषय के प्रति दृष्टिकोण मौलिक हो। शास्त्री ने मुझे जिस चीज से आकर्षित किया वो थी उच्च शक्ति में विश्वास और संदेह के बीच इसकी बात फिल्म में दिखाती है कि विज्ञान के पास ब्रह्मांड में हर चीज का जवाब है, लेकिन एक सीमा तक जो विज्ञान के दायरे से परे है उसे मैं भगवान कहना पसंद करता हूँ। अगला सवाल, ये फिल्म
दुर्गा पूजा के मौके पर ही रिलीज होने वाली है। आपको क्या लगता है कि त्योहार के मौके पर ये फिल्म दर्शकों से किस तरह जुड़ेगी? तब मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, एक स्तर पर शास्त्री में कई कर्मकांडीय तत्व है, लेकिन गहरे स्तर पर इस समय यह फिल्म देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम जीवन में कहाँ खड़े हैं। आप देखिए, हम सभी किसी न किसी चीज के लिए लालची रहते हैं। हम किसी जादू के होने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। शास्त्री उस जादू का साक्षात रूप, लोग खुद को जादूगर द्वारा शोषण किए जाने देते हैं। जब वो पत्थर खरीदते हैं, ताबीज पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इसी तरह के अन्य काम करते हैं, लेकिन लोगों को ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इससे वे खुद तय कर पाएंगे कि वे शास्त्री द्वारा चुने गए मार्ग पर चलेंगे या विज्ञान द्वारा दिखाए गए विपरीत मार्ग पर, अन्यथा चमत्कार की उनकी लालसा उन्हें हमेशा के लिए दुख और निराशा के चक्र में फंसा देगी। उसके बाद मिथुन दा से अगली सवाल ये किया गया, 14 साल हो गए हैं जब आप दोनों किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, कैसा लगा और आपके बीच कैसी केमिस्ट्री थी? मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, देवाश्री मेरे साथ नाड़ी थे के सागर 1978 में अपनी पहली मुख्य भूमिका में थी, जो मेरी पहली बंगाली फिल्म भी थी। मुझे उस फिल्म की बहुत अच्छी यादें हैं। तब से हमने कई फिल्मों में साथ काम किया है और हमारे बीच एक बहुत ही अनोखा करीबी रिश्ता है जो हमारे परिवारों तक भी फैला हुआ है। देवाश्री और मैंने ट्रॉय 1982 से लेकर MLA पटाकेस्टो 2006 तक कई सुपरहिट फिल्में दी है, इसलिए भले ही इस बार का अनुभव अलग था, लेकिन इस फिल्म पर काम करने से बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। मिथुन दा को निर्देशक के बारे में सवाल किया गया, निर्देशक पतिकृत बसु के साथ काम करना कैसा रहा? निर्देशक प्रतिकृत बहुत बुद्धिमान और तकनीकी रूप से निपुण है। वह ऐसे फिल्म निर्माता भी है जो अनोखी कहानियों की तलाश में रहते हैं। हालांकि यह तो समय ही बताएगा कि फिल्म सफल होगी या नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कहानी अपनी तरह की अनूठी है और मैंने उनके साथ फिल्म पर काम करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। मिथुन दा से अगली सवाल पूछा गया, अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए जिससे आप इस भूमिका को निभाने के लिए उत्सुक हो गए। तो मिथुन दा ने कहा, मेरे किरदार के बारे में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वह है ईश्वर में उसकी गहरी आस्था। वह ईश्वर से बात करता है। मुझे किरदार की सादगी ने भी आकर्षित किया। वह गरीब है, उसकी एक पत्नी और एक बेटा है, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए जादू की तलाश में रहता है और जब ऐसा होता है तो वह शास्त्री नामक एक चमत्कार में बदल जाता है। यही परिवर्तन बहुत बड़ा है और फिर एक विपरीत परिवर्तन होता है और अंत में उसे अपने आत्मज्ञान का क्षण मिलता है। वैसे तो फिल्म बंगाली भाषा में है, फिल्म काफ़ी रोमांचक है। दोस्तों, ये फिल्म को ज़रूर देखना। एक सवाल काबुलवाली फिल्म के बारे में भी उनसे पूछा गया, प्रजापति
और काबुली वाले बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बंगाली फिल्मों में अपनी करियर के इस चरण को लेकर आप कितने उत्साहित है? मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं इसे अपने करियर में किसी नए अध्याय के रूप में नहीं देखता। मैंने हमेशा बंगाली फिल्मों में काम किया है। शायद प्रजापति से पहले कुछ सालों का अंतराल था क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं एक के बाद एक बंगाली फिल्मों में काम कर रहा हूँ। मिथुन दास से अगला सवाल पूछा गया, पिछले साल मृणाल सेन की जन्म शताब्दी के बाद से उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्या आप मुर्गाया के दिनों से जुड़ी कोई याद साझा कर सकते हैं? तो मिथुन दास ने कहा, मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, वो मेरे जीवन में पिता की तरह है, वो मेरे जीवन में एक परिस्थिति की तरह आए, मुझे परिस्थिति की तरह सिखाया और मुझे एक ऐसे व्यक्ति से बदल दिया जो कुछ भी नहीं था। फिर मिथुन दास को एक सवाल 80 के दशक के बारे में पूछा गया, 80 के दशक के बेहतरीन फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने के बाद अब आप युवा निर्देशकों के साथ काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दशकों में फिल्मों और फिल्म निर्माण की शैली किस तरह विकसित हुई है? उस पर मिथुन दास ने कहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भावनाएं अभी भी वही है, हालांकि तकनीकी प्रगति बहुत हुई है। दूसरा बदलाव उद्योग का निगमीकरण है जिसने इन व्यावसायिक घरानों को शक्ति प्रदान की है जो पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह है कि बहुत से लोग जो पहले फिल्म की यूनिट के हिस्से के रूप में काम पाते थे अब बेरोजगार हो गए हैं। तो दोस्तों, मिथुन दास की इस मुलाकात से आप लोग किस तरह बिलीव करेंगे? मिथुन दास ने अपनी खुलकर बातें मीडिया से कही, सिर्फ ये बातें बंगाली में कही हुई थी, इसको हिंदी में रूपांतर करके मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइबर बटन ज़रूर दबाएं।